शताब्दी की शुरुआत में एक संत हुए यूरोप में जिनका नाम था वैलेंटाइन। ये हुए रोम में, और उस समय रोम का राजा था क्लॉडियस, बड़ा क्रूर आतंकी। उसकी क्रूरता और आतंक के किस्से यूरोप के इतिहास में भरे पड़े। तो क्लॉडियस जो है कहता है कि भाई हम तो महान यूरोपियन परंपरा के वाहक हैं, जिसमें स्त्री को तो रखेल बना के ही रखा जा सकता है, पत्नी का दर्जा उसको देना मूर्खता है। उसी क्लॉडियस के राज्य में ये वैलेंटाइन हो गए, जो गांव गांव घूम घूम के कहते थे कि भाई शादी करो, शादी करके रहो और एक पत्नी के साथ रहो। साहित्य का थोड़ा अध्ययन किया और भारतीय साहित्य से उन्हें पता चला कि एक पत्नी के साथ रहना, एक स्त्री के साथ रहना कितना सुखद होता है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, उसमें बीमारियां कम होती हैं, वेनेरल डिसीजेस बहुत कम होते हैं। ये सब उन्होंने पढ़ लिया। और ये भारत का साहित्य उनको मिला कैसे? ये मिला इस तरीके से कि भारत का व्यापार बहुत चला है यूरोप के लोगों के साथ वाया अफ्रीका। पांचवी शताब्दी की शुरुआत में और चौथी शताब्दी के अंत में वैलेंटाइन को भारत का कोई शास्त्र मिल गया, उसका उन्होंने अध्ययन कर लिया। अध्ययन करके पता चला कि भारत की परिवार व्यवस्था कुछ इस तरह की है, तो उन्होंने भरपूर प्रचार किया पूरे रोम में घूम घूम कर कि शादी करो, शादी के बाद रहो। तो वैलेंटाइन मशहूर हो गए रोम में शादी कराने के लिए। तो वो क्या करते थे? व्याख्यान देते थे, गांव गांव जाते और लोगों को समझाते थे शादी करने के क्या फायदे हैं और शादी करने के बाद शारीरिक संबंध रखने के क्या फायदे हैं, वो सब समझाया करते थे। क्लॉडियस जो था उनसे चिढ़ता था हमेशा। क्लॉडियस ये कहता था कि हमारी जो महान परंपरा है यूरोप की शादी नहीं करने की, उसका ये नाश करने में लगे हुए। बहुत ज्यादा गुस्सा जब आया क्लॉडियस को, तो क्लॉडियस ने क्या किया, वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा जो होता था वो कोई भी आदेश दे सकता था, राजा के मुंह से निकले हुए शब्द ही कानून माने जाते थे। तो क्लॉडियस ने वैलेंटाइन को फांसी पे चढ़ाने का आदेश दे दिया और 14 फरवरी सन 498 को वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब हुआ क्या कि जिन लोगों की शादियां कराई थी वैलेंटाइन ने, वो सब दुखी हो गए और वो सब इकट्ठे हुए। और यूरोप में आपको शायद मालूम है या नहीं, सन 1950 तक फांसी देने की परंपरा खुले मैदान में होती थी। दंड जो है ना फांसी जैसा, वो सबके सामने दिया जाता था। तो क्लॉडियस ने जानबूझकर क्या किया कि जिनकी शादियां करा दी थी वैलेंटाइन ने, वैलेंटाइन वैसे चर्च में पादरी थे, तो वो क्या करते थे, चर्च में लाके शादियां कराते थे बच्चों की। तो जिनकी शादियां कराई थी क्लॉडियस ने, उन सबको इकट्ठा करके उनके सामने क्लॉडियस के अधिकारियों ने वैलेंटाइन को फांसी पे चढ़ा दिया। तो उनके जो चेले चपाटे थे वैलेंटाइन के, वो सब बहुत दुखी हुए। तो उनके दुखद याद में 14 फरवरी 498 से उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। तो उस दिन से यूरोप में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। माने वैलेंटाइन एक ऐसे व्यक्ति जो शादियां कराते फिरते थे, उनको चूंकि राजा ने फांसी की सजा दे दी, तो उनकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ये है वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री का उनका पारिवारिक जीवन। अब हमारे यहां ये जो वैलेंटाइन आ गया है, स्कूलों में कॉलेजों में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे लड़के लड़कियां बिना सोचे समझे एक दूसरे को कार्ड दे रहे हैं, वैलेंटाइन डे के कार्ड छपने लगे और उस पर अंग्रेजी में लिखा होता है वुड यू बी माई वैलेंटाइन दिस ईयर, वुड यू बी माई वैलेंटाइन दिस ईयर। और ये जो लड़के लड़कियां हैं, इनको कुछ सोच समझ तो है नहीं, तो ये अपने दादा दादी को भी वही कार्ड दे देते हैं, वुड यू बी माई वैलेंटाइन दिस ईयर। अपने मम्मी पापा को कार्ड दे देते हैं, वुड यू बी माई वैलेंटाइन दिस। परिवार में बच्चों को पालने की परंपरा हजारों साल से नहीं है, एक बात। और दूसरी बात एक और, जिससे भी ज्यादा गंभीर है, कि यूरोप के परिवारों में बच्चे किस बाप के हैं यह पता करना एकदम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कारण क्या है? वहां जो शारीरिक संबंध हैं वो इतने खुले हैं, इतने फ्री हैं कि कोई भी किसी के साथ जाए। और जिन समाजों में शारीरिक संबंध बहुत खुले होते हैं, जहां पर शारीरिक संबंधों में लिबरलाइजेशन होता है, वहां पर बाप का पता करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मां जानती नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितनों से संसर्ग वो करती है।
और ये ऐसा क्यों होता है? वो ये कहते हैं सेक्स ही जिंदगी का चरम आनंद है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सेक्स भोगने के लिए एक पति से संतुष्ट होते हो तो ठीक है, नहीं तो दो के पास, तीन के पास, पांच के पास, दस के पास, बीस के पास, पचास के पास जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेक्स संतुष्टि ही जिंदगी का चरम आनंद है, ध्यान रखना। और ये प्लेटो कहता है, अरस्तु कहता है, लिबनिट्ज कहता है, डिकार्ते कहता है, रूसो कहता है, सारे फिलोसोफर कहते हैं कि हमारी जिंदगी का चरम आनंद ही ये है, सेक्स में डूबना। तो एक से नहीं मिलेगा तो दूसरा, दूसरे से नहीं मिले तीसरा, तीसरे से नहीं मिले चौथा, इसलिए शारीरिक संबंधों में कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए वहां विवाह करना जरूरी नहीं है, इसलिए यूरोप में विवाह नहीं होते। आपको मालूम है आज भी यूरोप में 70% बिना विवाह के लोग रहते हैं। एक अंग्रेजी में आजकल शब्द आया है लिव इन रिलेशनशिप, बहुत चल रहा है, इसका मतलब है बिना विवाह के साथ साथ रहना, दो दिन एक के साथ रहना, तीन दिन दूसरे के साथ, पांच दिन तीसरे के साथ, महीने चौथे के साथ, दो महीने पांचवें के साथ, साल भर में 10-20 बदल दो। ये आज की परंपरा नहीं है, हजारों साल की। तो विवाह होता नहीं है, बिना विवाह के ही सब होता है, तो विवाह की परंपरा भी नहीं है, मान्यता भी नहीं है, इसलिए विवाह करना कराना वहां कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं मानी जाती। अब जहां सेक्स संबंध ही जिंदगी का सारा उत्कर्ष है, चरम है, तो वहां फिर मान्यता क्या है? वहां मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं, जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो, जिस दिन नहीं देती है फेंक दो, नहीं ले आओ। तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो, जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो, दूसरी ले आओ, बाजार में मिलती है। अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारीरिक संबंध रखना, तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? अब जहां सेक्स संबंध ही जिंदगी का सारा उत्कर्ष है, चरम है, तो वहां फिर मान्यता क्या है? वहां मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं, जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो, जिस दिन नहीं देती हैं फेंक दो, नहीं ले आओ। तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो, जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो, दूसरी ले आओ, बाजार में मिलती है। अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारीरिक संबंध रखना, तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? बिना शादी के बच्चे होंगे तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? तो इसलिए यूरोप में परिवार बनता नहीं है। परिवार तो कुछ निश्चित बिंदु से शुरू होता है ना, परिवार तो ऐसे शुरू होता है, मेरी माँ ने कहा देख ये तेरे पिताजी हैं, बस वहीं से शुरू हुआ। वहां कोई माँ ये कह नहीं सकती कि ये तेरे पिताजी, पता ही नहीं है उसको कौन सा पिताजी है। और ये एक दो साल नहीं रहा है, 2500 साल ये रहा है, और 2500 साल में कम ज्यादा होता रहा, आज भी 2006 में यूरोप में यही चल रहा है। मैक्सिमम लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, धर्म पत्नी और पति बनके नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, पति पत्नी नहीं है, जो हमारी परिभाषा है ना पति पत्नी की, नहीं। तो वहां फिर होता क्या है? वहां फिर होता यह है कि जब इतने सारे लोगों से इतने तरह के संबंध आप रखें, तो सबसे ज्यादा वेनरल डिसीजेस, सेक्स जनित रोग सबसे ज्यादा इसी समाज में, सबसे ज्यादा। और आजकल तो आप सुनते हैं ना बार बार, वफादार रहो, एक ही पत्नी से संपर्क रखो, नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यूरोप में ये कहानी 2500 साल से ऐसे ही चल रही है। फिर बीच बीच में कुछ लोग ऐसे आए यूरोप में जिन्होंने इसको बदलने की कोशिश की, बीच बीच में उनके समाज में ऐसे लोगों ने जन्म लिया, वो कहने लगे कि ये अच्छा नहीं है, गलत है, इसमें कुछ लिमिटेशंस करो, नियम बांधो, परिवार बनाओ, शादियां करो, शादियों के साथ रहो, ऐसे कुछ लोग आते रहे, लेकिन उनको जिंदा नहीं रहने दिया समाज ने। अब मैं कहानी सुनाता हूं। ऐसे ही एक यूरोपियन व्यक्ति थे जो आज से लगभग 1600 साल पहले यूरोप में पैदा हुए,
उनका नाम था वैलेंटाइन। और ये कहानी है 478 एडी, एडी माने ईसा की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ, आज से लगभग 1300-1350 साल पहले की कहानी। एक वैलेंटाइन नाम के महापुरुष ने जन्म लिया जो ये कहता था कि हम जो शारीरिक संबंध रखते हैं कुत्तों की तरह से, जानवरों की तरह से, ये अच्छे नहीं है, इनमें से ये खराबी ये खराबी, तो इनको ठीक करो, एक पति एक पत्नी के साथ रहो, विवाह करके रहो, शारीरिक संबंधों को उसके बाद ही शुरू करो, ऐसी ऐसी वो बातें करते थे। और वो वैलेंटाइन महाशय जो जो नौजवान उनके संपर्क में आते थे उनको यही सिखाते थे, रोज उनका भाषण यही चलता था। संयोग से वो चर्च के पादरी हो गए, तो चर्च में आने वाले हर आदमी को यही बोलते थे कि भाई शादी कर लो तभी संबंध रखो, बिना शादी के संबंध मत रखो। तो कोई कोई उनसे पूछता था कि आपको ये वायरस कहां से घुस गया, ये तो यूरोप में है नहीं कहीं। तो वो कहते थे कि आजकल मैं ईस्टर्न फिलोसफी का अध्ययन कर रहा हूं, उसमें ये समझ में आ रहा है। ईस्ट समझते, ये ईस्ट माने भारत। आज से 1600 साल पहले 1700 साल पहले का भारत पूरा ईस्ट लगभग वही था। चीन में भारतीय सभ्यता बुद्धिज्म, इंडोनेशिया मलेशिया में भारतीय सभ्यता बुद्धिज्म, जितनी दूर तक नजर जाती है ईस्ट और फार ईस्ट में सब जगह भारत और भारती था। ये बाउंड्री तो अभी बनी। तो वो कह रहे हैं कि मैं आजकल ईस्टर्न फिलोसफी का अध्ययन कर रहा हूं और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है, उसी के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये मानो। तो कुछ लोग मानते थे, तो वो वैलेंटाइन पता है क्या करते थे, चर्च में बच्चों की शादियां कराते थे, चर्च में बच्चों की शादियां कराते, और एक दो नहीं उन्होंने सैकड़ों शादियां कराई। जिस समय ये वैलेंटाइन हुए उस समय रोम में एक राजा था, उसका नाम था क्लॉडियस, बड़ा राजा था, सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट। क्लॉडियस ने कहा कि ये जो आदमी है वैलेंटाइन हमारी यूरोप की परंपरा को बिगाड़ रहा है, हम बिना शादी करके रहने वाले लोग, मौज मजे में डूबने वाले लोग, और ये सबको शादियां करवाता फिर रहा है। तो क्लॉडियस ने एक दिन आदेश दिया कि वैलेंटाइन को पकड़ के लाओ। तो गया वैलेंटाइन, वैलेंटाइन को पूछा तुम ये क्या गलत काम कर रहे हो, अधर्म फैला रहे हो, अपसंस्कृति ला रहे हो, हमको ये मंजूर नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यही ठीक है। तो क्लॉडियस ने उसकी एक न सुनी और उसको फांसी की सजा का आदेश दे दिया। तो 14 फरवरी सन 498 को वैलेंटाइन को फांसी हो गई। आरोप क्या था कि वो बच्चों की शादियां कराते हैं, इसलिए फांसी हो गई, माने शादी कराना जुर्म है, तो फांसी हो गई। जिस दिन उनको फांसी हुई तो जिन बच्चों ने वैलेंटाइन के कहने पर शादियां की थी उन्होंने वो दिन वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। अब ये वैलेंटाइन डे की कहानी है। यूरोप में वैलेंटाइन डे होता है क्योंकि वहां शादी नहीं होती और जो कर ले वो वैलेंटाइन डे मनाता है। अब भारत में बिना अकल बिना सोचे बिना समझे हमने वैलेंटाइन डे चालू कर दिया। स्कूलों में कॉलेजों में पागलों की तरह से वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे, और इस धंधे में बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई जिनको ग्रीटिंग कार्ड्स बेचने हैं, वैलेंटाइन डे का ग्रीटिंग कार्ड, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट, और वैलेंटाइन डे का तो मिठाई, और वैलेंटाइन डे का तो ये, और वैलेंटाइन डे का वो, और टीवी चैनलों ने धुआंधार उसका प्रचार कर दिया। तो गली मोहल्ले छोटे छोटे बच्चे 10-10 12-12 साल के वैलेंटाइन डे में फंसे हुए हैं। हाँ, और ऐसे मूर्ख हैं कि वो जो कार्ड भेजते हैं ना उसमें लिखते हैं वुड यू बी माई वैलेंटाइन। हाँ, इसका सही मतलब है कि आप मेरे साथ शादी करोगे, और वो एक को नहीं 10-10 को भेज देते हैं, 20-20 को भेज देते हैं, 25-25 को, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। अभी मैं तो एक दिन तंग हो गया, परेशान हो गया। बंबई में मैं एक सज्जन के घर खाना खाने गया तो उनके घर में एक दादाजी हैं, दादाजी 65 साल के, उनको 25 ग्रीटिंग कार्ड आए हैं लिखा हुआ वुड यू बी माई वैलेंटाइन।
लिखने वाले कौन है? 15-20 साल के लड़के लड़कियां, वो दादाजी को वैलेंटाइन बना रहे हैं। मूर्खों को पता नहीं है कि वैलेंटाइन होता क्या है। बिना सोचे बिना समझे ये जो हम लेते हैं ना, ये ऐसा नाश करता है। तो यूरोप की तकलीफ है, वहां शादियां नहीं होती हैं। शादी कराने वाला कोई पैदा हो जाए तो उसको फांसी हो जाती है, इसलिए वो कभी कभी ऐसे लोगों को याद करने के लिए कुछ सेलिब्रेट करते हैं। हम उनकी नकल करें ये बिल्कुल जरूरी नहीं।